दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या क्लिक कीजिए। हेलो एवर्स, लेके आया मैं फिर से एक प्यारा सा वीडियो जिसमें आज आपको बताने वाला हूँ कि पेंट में सेट पॉकेट कैसे बनाएं, उसमें पाइपिंग कैसे निकालें। इसका इजी और सिंपल मेथड मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखते रहें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये देखिए दोस्तों, मैंने जो है पेंट को कट कर लिया है। पेंट को कट करने के बाद ये जो है बैक पॉकेट के लिए मैंने पॉकेट भी कट कर लिया। पॉकेट की लंबाई जो है 13 इंच है और चौड़ाई जो है 6.5 इंच है। सबसे पहले जो है दोस्तों, हमने जो है पेंट की दो पल्ले हैं, ये दोनों साइड दोनों में हमको निशाने लगा देने हैं। ये अंदर के साइड ये सीधा साइड है। ये देखिए दोस्तों, ये जो है पेंट की पॉकेट है। पॉकेट को अब हमको जो है इस तरह से यहाँ पे इस तरह बराबर करके बैठाना है। यहाँ पे जो है हम जो है 2.25 इंच ले लेंगे। उसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ पे अब हमको यहाँ पे 2.25 इंच से सीधा यहाँ पे, ये जो है दोस्तों ये इजी और सिंपल मेथड है। यहाँ से 2.25 इंच जहाँ पे हमने निशाने लगाए हैं वहाँ से सीधा करके यहाँ पे 7 इंच हमको निशाने लगाना है। अगर आप चाहें दोस्तों यहाँ पे आप सीधा करके बराबर करके जो है चौक से निशाने लगा सकते हैं। निशाने लगा देने के बाद जो दोस्तों यहाँ पे अब हमको सिलाई लगाना है। ये देखिए दोस्तों, हमने जो है सिलाई लगा ली है। सिलाई लगा लेने के बाद इसको यहाँ पे बराबर मार्जिन छोड़ के यहाँ पे कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो है दोस्तों इसको यहाँ पे सीधा तरफ पलट दें। पलटने के बाद इसको जो है अंदर के साइड मोड़ लें। अंदर के साइड मोड़ने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पे हमको यहाँ पे पाइपिंग निकालना है। इस तरह से यहाँ पे बराबर अंदर के कपड़े जो है बाहर निकाल देना है। बाहर निकालने के बाद यहाँ पे ज़्यादा ना लेके, ज़्यादा लेने से अच्छे नहीं लगते, लुक इसका अच्छा नहीं आता है, इसलिए हमको जो है हल्का लेना है। यहाँ पे जो है सिलाई लगा देना है। ये देखिए दोस्तों, हमने जो है सीधा करके सिलाई लगा दिए हैं। सीधा करके सिलाई लगा लेने के बाद जो है दोस्तों अब जो है फिर यहाँ पे हमको इसको जो है सीधा तरफ फोल्ड करना है। यहाँ पे इसको बराबर यहाँ पे इस तरह से बैठा देना है। हमको सीधा करके सिलाई लगा लेना है। ये देखिए, हमने जो है दोस्तों सिलाई लगा लिया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ जो है पॉकेट को हम यहाँ पे छोड़ दिए हैं। इसका मतलब है ये दोस्तों, अभी हम आपको बताने वाले हैं। उधर पहले इधर आए, थोड़ा सा हल्का अंदर मार्जिन छोड़ के यहाँ पे सिलाई लगाने जाएं। ये देखिए दोस्तों, ये जो है अभी प्लेट देना है हमको। प्लेटने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पे पॉकेट के साइड जो है यहाँ पे खुला हुआ है, इसको जो है हमको दोस्तों यहाँ पे इस तरह से दोनों को अंदर के साइड मोड़ देना है। अंदर के साइड मोड़ने के बाद यहाँ पे हमको बराबर सिलाई लगा लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमने सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद जो है दोस्तों, अब यहाँ पे हमको जो है पॉकेट टर्न अटैच करना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने जो है पॉकेट टर्न के लिए इसको कट कर लिया है। इसको कट करने के बाद इसको जो है यहाँ पे हमको नीचे सिलाई लगा लेना है बराबर करके। सिलाई लगा लेने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पे हमको पॉकेट में अटैच करना है। इस तरह से यहाँ पे एक चाप मार्जिन लेके पॉकेट में अटैच कर देना है। इसमें लेबल सिलाई भी लगा देना है। उसके बाद जो है दोस्तों, ये देखिए आप यहाँ पे ये पैंट के पल्ला है और ये पॉकेट टर्न जिसको बोलते हैं ये है। उसको जो है हमको यहाँ पे सीधा तरफ से यहाँ पे जो है हमको बराबर करके यहाँ पे भी सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगा लेने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पे इसको कट कर देना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है किस तरह से हमको साइड पॉकेट बनाना है, और साइड पॉकेट बनाने के बाद जो है किस तरह से हमको पॉकेट टर्न लगाना है। ये देखिए, मैंने इजी और सिंपल मेथड में आपको बताया है। उसके बाद जो है दोस्तों, पॉकेट में हमको किस तरह से पाइपिंग निकालना है
ये देखिए मैंने आपको पाइपिंग भी निकाल के दिखा दिए हैं, कितना नाइस लुकिंग आया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप लाइक करना भूल जाते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें। और इसी तरह से हमको जो है दोस्तों उस साइड का भी हमको अब साइड पॉकेट बनाना है। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या क्लिक कीजिए।